क्वेश्चन नंबर 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है हाउ कैन गवर्नर ऑफ अ स्टेट कैन बी रिमूव्ड, गवर्नर को कैसे रिमूव किया जा सकता है। देखिए गवर्नर की पावर जो है और गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है दैट इज प्योरली ऑन द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं। तो ऑब्वियसली जिसके प्लेजर पे काम करते हैं वही तो हटा सकता है ना। द आंसर इज बाय प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया एनी टाइम, ठीक है, क्योंकि वो उनके प्लेजर पे काम कर रहे हैं। तो बात यह है कि गवर्नर का जो टेन्योर है वो 5 साल का होता है और डिसमिसल बाय द प्रेजिडेंट यूजुअली ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एट हुज प्लेजर द गवर्नमेंट गवर्नर होल्ड्स ऑफिस हुज इट इज रेफर टू द प्रेजिडेंट। डिसमिसल ऑफ गवर्नर विदाउट वैलिड रीजन इज नॉट परमिटेड, हाउएवर इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रेजिडेंट टू डिसमिस अ गवर्नर हुज एक्ट आर अपहेल्ड बाई द कोर्ट एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड मैलिफाइड, कि अगर ऐसा कुछ है जो कि कोर्ट ने कहा कि इन्होंने कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और मैलिफाइड किया है तो ये ड्यूटी बनती है प्रेजिडेंट की वो उन्हें हटाए। और जैसे कि देखो कहानी क्या है कि जैसे प्रेजिडेंट को इलेक्ट किया जाता है वैसे ही गवर्नर को सिलेक्ट किया जाता है। तो ये ऑब्वियस ही बात है जब भी कभी कोई नई गवर्नमेंट आती है तो वो पुराने वाले गवर्नर को चेंज कर देती है क्योंकि वो पहले वाले का सिलेक्शन होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं दैट द प्रेजिडेंट के पावर के ऊपर प्रेजिडेंट के प्लेजर के ऊपर गवर्नर काम करता है। तो उनका रिमूवल जो होगा वो कैसे किया जाएगा, बाय द प्रेजिडेंट एनी टाइम। सो दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 20 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।